हेलो फ्रेंड्स, आई एम संदीप सर एंड वेलकम टू मार्वेलस इंग्लिश क्लासेस। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू फोकस ऑन क्वेश्चन आंसर ऑफ द पोएम ओड टू अटम। आज के इस वीडियो में हम सब ओड टू अटम के शॉर्ट क्वेश्चन को डील करेंगे, उसके बाद एक्सप्लेनेशन को डील करेंगे, उसके बाद हम सब समरी को डील करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डील करते हैं क्वेश्चन आंसर को। ठीक है बच्चों, देखिए अगर आप लोग को वीडियो पूरा नहीं मिल पाता है तो आप लोग एसएमएस कीजिए मेरे पास और बताइए। जैसे कि आज का एक बच्चा एसएमएस किया था, उसको हिंदी का सिलेबस नहीं मिल रहा था, तो कोई बात नहीं बच्चों, चैनल नया है इसे ज़्यादा सर्चेज नहीं हो पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप लोग थोड़ा सा मतलब इस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, और अगर नहीं मिल पाता है तो उसको कोशिश कीजिए कि कैसे भी उसको प्राप्त कर लिया जाए। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ओड टू अटम का जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का, वो कैसे पूछा जाता है या क्वेश्चन किस तरह से आता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इसमें बाबू कि बाबू दो दोस्त जो हैं वो कौन कौन हैं, अटम और सन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि व्हाट हैपेंस इन अटम, अटम में क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन अटम, अटम में क्या होता है, मतलब अटम में कौन कौन सी घटनाएं घटती है उसके बारे में आपको बताना है। तो कह रहा है कि इन अटम फ्रूट्स गेट राइपन, मैंने कि अटम में क्या होता है कि फ्रूट्स जो हैं वो पकने का काम शुरू करते हैं। ठीक है, या पकने लगते हैं, क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड, और जो अनाज होते हैं, जो क्रॉप्स होते हैं, जो फसल होते हैं, उनको हार्वेस्टेड किया जाता है, मतलब कि काटा जाता है। ठीक है, एंड एप्पल जूस इज एक्सट्रैक्टेड, और एप्पल जूस जो है निकाला जाता है, एक्सट्रैक्टेड निकालना। ठीक है, एप्पल से जो है जूस निकाला जाता है। बर्ड्स स्टार्ट टू सिंग टू सी द स्वीटनेस ऑफ सीजन, कह रहा कि सीजन के स्वीटनेस को देख करके बर्ड्स जो है, चिड़ियां जो है, वो गाना शुरू करती है या गाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 2 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं बाबू, कह रहा है कि इन व्हाट सेंस, ध्यान देना होगा कि इन व्हाट सेंस डज द सन कंस्पायर विद अटम, मतलब कि किस सेंस में अटम के साथ जो वो सन जो है वो कंस्पायरिंग करता है, मतलब क्या, तो षड्यंत्र रचना या योजना बनाना, क्या है बाबू। तो द सन कंस्पायर्स विद अटम टू फिल ऑल फ्रूट्स विद रेपनेस इट्स, हाँ बच्चों कह रहा है कि द सन कंस्पायर्स, सन जो है कंस्पायर्स करता है विद अटम, अटम के साथ, टू फिल ऑल फ्रूट्स विद रेपनेस, मतलब कि पूरे फल को बिल्कुल पकाने के सेंस में कंस्पायर करता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि इट्स रेज, ध्यान देना होगा वो कह रहा है कि इट्स रेज मेक द फ्रूट्स फ्लेशी, और इसके जो रेज हैं, रेज प्रकाश जो होते हैं, जो किरण होते हैं सूर्य के, वो क्या करते हैं कि फ्रूट्स को फ्लेशी बनाते हैं, यानी गुद्देदार बनाते हैं। ठीक है, देखिए सनलाइट हेल्प करता है कि फ्रूट्स को पकाने के लिए। ठीक है, इस बात को जरूर आप लोग ध्यान देंगे। आगे कह रहे बाबू कि हाउ डू द सन एंड समर हेल्प इन रिपनेस ऑफ फ्रूट्स इन अटम, मैंने कैसे जो है समर जो है हेल्प इन रिपनेस, मतलब कि पकाने में, राइपनेस भी कह सकते हैं या रिपनेस भी कह सकते हैं, ऑफ फ्रूट्स इन अटम, कह रहा कि इन समर सीजन, मैंने कि समर जो सीजन होता है, याद रखेंगे जो समर सीजन होता है, द सन रेज हेल्प द फ्रूट्स इन रिपनिंग, कह रहा कि जो रेज होता है, जो किरणें होती है प्रकाश की, जो बहुत तीखी होती है, और वहीं किरणें जो हैं फ्रूट्स को पकने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। देखिए बचपन में थोड़ा सा आप लोग ध्यान दिया जाए कि हम लोग जब बचपन में मैंगो मतलब बिनने जाते थे, आम बटोरने जाते थे बगीचे में, और लाते थे ला करके, और मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि ला करके और मैं रख देता था, मतलब उसको जो अथी होता ना गेहूँ, जो गेहूँ कटता है और भूसा जो रहता है उसका, ठीक है, उसी भूसे में उसको छुपा कर रख देता था मैं,
और 2-3 दिन के बाद मैं देखता था तो जो मैंगो है वो पक जाता था। क्यों पक जाता था? उस समय मेरा दिमाग काम नहीं करता था, लेकिन अब हम लोग समझ चुके हैं कि जो गेहूं के भूसा होता है उसमें गर्मी ज़्यादा होता है, ठीक है, और गर्मी के कारण फल जो है वो पक जाता है। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि सनलाइट का जो रे है वो बड़ा ही मतलब कि तीखा होता है उस समय, जिसके चलते फल को पकने में हेल्प करता है। ठीक है, इन दिस सीजन फ्रूट्स रीच देयर मैच्योरिटी, वो इस सीजन में जो फ्रूट्स होता है वो अपने अंतिम यानी कि मैच्योरिटी तक प्राप्त हो जाता है, यानी कहने का मतलब पूरा परिपक्व हो जाता है, एंड आर फीड और भर जाता है किससे भाई, अतव इज फ्लेश एंड जूस, एकदम गुदेदार हो जाता है और उसमें जूस भर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हो कि हाउ आर ऑटम एंड समर रिलेटेड टू स्प्रिंग, मैंने कैसे ऑटम और समर जो है वो स्प्रिंग से रिलेटेड है। ठीक है, इस बात पर थोड़ा सा विचार करते हैं। स्प्रिंग कम्स बिफोर द अराइवल ऑफ समर एंड विंटर। देखिए स्प्रिंग कब आता है, या देखिए स्प्रिंग आता है समर विंटर के बीच में, यानी कि आफ्टर विंटर एंड बिफोर समर आता है ना, कम्स कह रहा है कि बिफोर अराइवल द समर एंड आफ्टर डिपार्चर ऑफ ऑटम, माने कि ऑटम के डिपार्चर के बाद और समर के आने से पहले का जो मौसम होता है वो क्या होता है, स्प्रिंग होता है। ठीक है, और यही कारण है कि स्प्रिंग जो है वो रिलेटेड होता है किससे, सॉरी ऑटम से, या ऑटम रिलेटेड होता है स्प्रिंग से। ठीक है, तो कह रहा है कि स्प्रिंग एल्सो हेल्प्स इज स्प्रिंग एल्सो हेल्प्स इन, इज नहीं यहाँ पर होगा, इन होगा, ठीक है बच्चों, इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स लाइक ऑटम एंड समर। कह रहा कि और स्प्रिंग भी जो है वो हेल्प करता है राइपनिंग करने में फ्रूट्स को, लाइक ऑटम एंड समर, समर और ऑटम के जैसे जो स्प्रिंग सीजन होता है वो भी मदद करता है फलों के पकने में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, देखिए होता क्या है कि स्प्रिंग जो सीजन होता है वो गर्मी से पहले, और जो गर्मी से थोड़ा सा पहले होता है और ठंडा के बाद आता है स्प्रिंग सीजन, जैसे ना फरवरी का मार्च का जो महीना होता है, अप्रैल आधा कह सकते हैं, वो सब किसका होता है, स्प्रिंग सीजन होता है। ठीक है, वो उसी के बीच जो है ऑटम भी आता है। ठीक है, लिख रहा है कि स्प्रिंग कम्स बिफोर अराइवल ऑफ समर एंड आफ्टर द डिपार्चर ऑफ ऑटम। ठीक है, ऑटम के जाने के बाद गर्मी के आने से पहले स्प्रिंग सीजन आता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हो गया आपका, और इस तरह से क्वेश्चन आंसर आपका खत्म हो गया। अब हम थोड़ा सा किस पर बात करेंगे, बात करेंगे हम लोग एक्सप्लेनेशन पर, आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। देखते हैं बच्चों, कह रहा है कि ओड टू ऑटम, यहाँ पर आपको ध्यान दिया जाएगा कि ओड टू ऑटम है और इसका पहला जो लाइन है सीजन ऑफ मिस्ट, याद होगा आप लोगों को लाइन, देखिए पहला ही लाइन है, आप लोग थोड़ा सा बुक निकाल करके और कॉपी पेन दोनों निकाल करके बैठिए, तभी जाकर के आप इसको लिख सकते हैं। लिखना पड़ेगा आपको सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, क्लोज बोजम फ्रेंड्स ऑफ द मेटरिंग सन कंस्पायरिंग विद हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस विद फ्रूट्स द वाइन्स दैट राउंड द थैच इव्स रन। ठीक है, यहाँ तक का आपका समरी में, सॉरी एक्सप्लेनेशन इसमें लिख रहा हूँ। ठीक है, समझिएगा इसको, कह रहा है कि दिज लाइन्स हैव बिन टेकन फ्रॉम द पोअम ओड टू ऑटम, इट हैज बिन कंपोज्ड बाई जॉन किट्स, अकॉर्डिंग टू दिज लाइन्स द पोएट वॉन्ट्स टू से दैट, कवि यह कहना चाहता है कि ऑटम इज द सीजन ऑफ मिस्ट एंड द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। यह मौसम कैसा होता है, यह सीजन किस चीज़ का होता है, ऋतु किस चीज़ का होता है भाई, तो ये ऋतु होता है फलों के कुहरों के, मिस्ट मतलब क्या होता है बाबू, कोहरा होता है। ठीक है, कोहरों का ये होता है, दूसरा नंबर होता है कि फलों के पकने का ये मौसम होता है। ठीक है, ये जो ऋतु होता है, मौसम नहीं ऋतु होता है। ठीक है, कह रहा है कि ड्यूरिंग दिस सीजन फ्रूट्स राइपन एज अ रिजल्ट ऑफ द कोऑपरेशन बिटवीन द ऑटम एंड इट्स क्लोज बोजम फ्रेंड द सन। फल कैसे पकता है,
कोऑपरेशन से पकता है। किसे किसे कोऑपरेशन से भाई? आ तो अट्टम के कोऑपरेशन से, और उसके जो एकदम बिल्कुल अंतरंग दोस्त, एकदम क्लोज फ्रेंड जो सन है, उन दोनों के हेल्प से फल क्या होते हैं? पकते हैं। ठीक है, यहां ध्यान रखेंगे आपका, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। कह रहा है, फिर से बता देता हूं आपको, जो राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स ड्यूरिंग दिस सीजन, फ्रूट्स राइपन एज अ रिजल्ट ऑफ द कोऑपरेशन बिटवीन द ऑटम एंड इट्स क्लोज बोजम फ्रेंड द सन। माने कि सूर्य के और ऑटम के दोनों के कोऑपरेशन से फल पकता है। जैसा कि मैं क्वेश्चन आंसर बता चुका हूँ कि सन के जो रेज होते हैं वो फल को पकाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब आगे बता रहा है, इसमें और दो लाइन होगा। कह रहा है कि इट कंस्पायर्स विद द सन। कौन इस इट कंस्पायर्स करता है? बहुत अटम अटम जो है कंस्पायर्स विद द सन टू मेक हैप्पी द वाइन्स क्रीपर्स। दो जो क्या होता है कि आपस में कंस्पायरी करके सन और वो ऑटम मेक हैप्पी, खुशहाल बनाते हैं। किसको भाई? लताओं को। क्रीपर्स जो अंगूर की जो लताएं होती है, वाइन्स क्रीपर्स का होता है अंगूर की जो लताएं होती है उसको। एंड टू लोड, और उसको क्या करते हैं कि लाद देते हैं देम उन्हें विद कहता कि बंचेज। बंच मीन्स क्या होता है बाबू? गुच्छा होता है ना, बंच, गुच्छा, बंचेज ऑफ ग्रेप्स। मतलब कि ग्रेप्स के बंचेस से, ग्रेप्स के झुंडों से उसको क्या करते हैं? लाद देते हैं। ठीक है, कह रहा है कि दिज वाइन्स क्रीपर, यहाँ पर TH ES E होना चाहिए, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कह रहा है दिज वाइन्स क्रीपर्स ग्रो अलोंग विद इप्स। इप्स मतलब होता है ओलती, या कह सकते हैं, या हम लोग जो ओरी कहते हैं ना उससे, ऑफ द थैच्ड रूफ्स ऑफ द कॉटेज। जैसे मैंने बताया भी था आप लोगों को कि कॉटेज पर जो क्या होता है कि ये कॉटेज मान लेते हैं कि हम लोग का हो गया, और इसके ऊपर जो ये ओलती हो जाती है, ये छत हो गया ना, तो ये ओलती हो जाती है, तो यहाँ से रोपा गया है इसको। ठीक है, यहाँ से इसको रोपा गया है, और ये क्या करता है कि इसको पकड़ कर इस ओलती से चढ़ते हुए और छत पर जाकर पूरा क्या होता है? जम जाता है, यानी कि पूरा फैल जाता है। तो वही बात कर रहा है कि दिज वाइन्स, ये लताएं जो है, क्रीपर्स जो है, ग्रो फैलते हैं या उपजते हैं अलोंग विद द इब्स। किससे होकर के भाई? आ तो ओलती से होकर के जाते हैं, ऑफ द थैच। थैच मतलब छप्पर, छप्पर पर जाते हैं, रूफ्स जो रूफ होते हैं उस पर जाते हैं, ऑफ द कॉटेज, कॉटेज के रूफ पर, कॉटेज के छत पर ये चले जाते हैं। ठीक है, और वहाँ ये पूरी तरह से फैल करके रहते हैं, जिसमें अटम और सन का कंस्पायरेसी यही है कि इन्हें किससे लाद दिया जाए? फलों से लाद दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, देखिए एक नेक्स्ट है आपका बाबू कि हु हैथ नॉट सीन दी ऑफन अमिड दाई स्टोर समटाइम्स हु एवर सिक्स अब्रोड मे फाइंड दी सिटिंग केयरलेस ऑन अ ग्रीनरी फ्लोर। ग्रीनरी फ्लोर यहां तक है। दाई दाई हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोइंग वाइंड, यहां तक आपको लिखा गया है। थोड़ा चार लाइन का है, इसको समरी को देख लेते हैं क्या होगा। कर बच्चों की अकॉर्डिंग टू दिज लाइन्स, इन लाइन्स के माध्यम से, इन पंक्तियों के माध्यम से द पोएट डिस्क्राइब्स, कवि वर्णन करता है, क्या वर्णन करता हो कि अट्टम एज अ वुमन। अट्टम को किस रूप में वर्णन करता हो कि एज अ वुमन, एक औरत के रूप में करता है। हु इज सीन जो देखी जाती है बाय एवरीवन सबके द्वारा, एज अ विनोअर। विनोअर का मतलब होता है ओसाने वाला, विनोइंग का मतलब ओसाने वाली, विनोइंग वाइंड का मतलब ओसाने वाली हवा, विनोअर मतलब ओसाने वाला। सिटिंग नियर हर स्टोर, कहाँ देखा जाता है बाबू? तो उसके स्टोर के पास देखा जाता है, उसके स्टोर के नजदीक देखा जाता है, जहां पर अनाज रखा जाता है उसके स्टोर के पास उसको देखा जाता है। हु एवर सिक्स जो कोई उसे खोजता है, तलाश करता है, हर हियर एंड देयर यहाँ वहाँ,
फाइंड्स हर सिटिंग नियर द ग्रीनरी फ्लोर, तो कहाँ पाई जाती है, अपने ग्रीनरी फ्लोर के पास पाई जाती है, ठीक है, कहाँ पाई जाती है बच्चों, अपने ग्रीनरी फ्लोर के पास पाई जाती है, विद हर हेयर, उसके जो बाल होते हैं फ्लोइंग माने उड़ते हुए प्रतीत होते हैं, उड़ते हैं जेंटली इन द वाइंड, हवा में, जेंटली इन द वाइंड भी कह सकते हैं या विंड भी कह सकते हैं, ठीक है, माने कि हवा में उड़ते हुए प्रतीत होते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यही था बाबू कि कैसे उसके जो बाल हैं वो हवा में उड़ते हुए प्रतीत होते हैं। मैं पोएम में आपको समझा भी दिया हूँ कि जैसे मान लेते हैं कि ये अनाज के होते हैं, इसमें अनाज रखे जाते हैं, इसको ओसाया जाता है, तो यहीं पे जो क्या होता है, अनाज तो गिर जाता है लेकिन इसके जो भूसी टाइप के होते हैं वो बाहर निकलते हैं और उसी को क्या कहते हैं, अटम के बाल कहते हैं, जो उस हवा के साथ उड़ता है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब है नेक्स्ट एंड लास्ट है आपके लिए, ठीक है, वो मैं लेकर आया हूँ, समझा रहा हूँ आपको, कैसे समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगला है बाबू कि अगला कह रहा है, ध्यान देंगे कि कह रहा है कि वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, कहाँ है वो बसंत के गीत, ए वेयर आर दे, कहाँ है वे, थिंक नॉट ऑफ देम, दाउ हैज दाई म्यूजिक टू, वाइल्ड बैरेड क्लाउड्स ब्लूम्स द सॉफ्ट डैंग डे, यहाँ तक है आपका। और एक और लाइन है, एंड टच द स्टबल प्लेन्स विद रोजी हुई, ठीक है, इसको थोड़ा सा देखते हैं कैसे एक्सप्लेन करेंगे। करा के अकॉर्डिंग टू दिज लाइन्स द पोएट वॉन्ट्स टू से दैट, कवि ये कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है वो, दैट कि अटम एज वेरियस सॉन्ग्स, अटम के पास वेरियस सॉन्ग्स है, उसको स्प्रिंग के सॉन्ग से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, वहाँ पे उसको कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए कहता है कि वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, कहाँ है वो बसंत के गीत, ठीक है, इस तरह से बात करता है कभी, क्या है वेयर आर दे, कहाँ है वे, थिंक नॉट ऑफ देम, उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दाई हैज दाई म्यूजिक टू, तुम्हारे पास है तुम्हारे संगीत, ठीक है, तुम्हारे पास अपना संगीत खुद है, तुम्हें दूसरे के संगीत पर कोई डिपेंडेंस होने की ज़रूरत नहीं है, उसकी चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक कवि बताना चाहता है कि मतलब अटम के पास वेरियस सॉन्ग्स हैं, बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, वेयर इज द म्यूजिक ऑफ स्प्रिंग, कहाँ है बसंत के गीत, या कहाँ है बसंत का म्यूजिक, कहीं बसंत का म्यूजिक इसमें नहीं है। ही रिपीट्स, वो फिर से रिपीट्स करता है, वेयर इज इट, कहाँ है वह, फिर से रिपीट करता है कहाँ है वह, ठीक है। फिर कवि वही बता रहा है कि डोंट थिंक अबाउट द स्प्रिंग, स्प्रिंग के बारे में मत सोचो, क्या कर रहा है कि स्प्रिंग के बारे में मत सोचो, एंड इट्स सॉन्ग, और इसके सॉन्ग के बारे में मत सोचो, ना स्प्रिंग के बारे में सोचो ना सॉन्ग के बारे में सोचो, क्योंकि यू हैव योर ओन म्यूजिक, क्योंकि अटम को कह रहा है कि तुम्हारे पास अपने म्यूजिक हैं, जब तुम्हारे पास ही अपने म्यूजिक हैं तो दूसरे के म्यूजिक पर तुम क्यों डिपेंड हो, या तुम्हें डिपेंड होने क्या हो सकता है, ठीक है, तुम्हारे पास अपने म्यूजिक हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, करेक्ट द बैकग्राउंड फॉर योर म्यूजिक, तुम्हारे म्यूजिक का जो बैकग्राउंड है, इज अ सीन इन विच ब्यूटीफुल, कहता है कि शैडोड, क्या छोड़ रहे हैं तो बाबू, तो ब्यूटीफुल शैडोड को छोड़ रहा है, शैडोड मतलब होता है बाबू परछाई को छोड़ना, ठीक है। क्लाउड्स, किसके बाबू क्लाउड्स को, तो बादल के जो परछाई होते हैं उसको छोड़ता है, एक्सपेंड मतलब होता है बढ़ाना, एक्सपेंड करता है इन द इवनिंग, जब भी आप देखते हो कि शाम का समय जब होता है तो जब आकाश में बादल लगे होते हैं, जो जो सनलाइट होता है उसे तिरछी पड़ के जो प्रकाश होते हैं बच्चों, वो क्या करते हैं कि नीचे प्लेन्स पर पड़ते हैं, ठीक है, और प्लेन्स पड़ने पर जब बादल के तिरछा, बादल में छुपा हुआ सूर्य है, और वहां से जब तिरछा प्रकाश जमीन पर पड़ता है तो एक अजीब सा रंग किस पर, धरती पर बिखेर देता है, उसी की तो बात यहाँ पे कर रहा है बाबू, कि सीन जो होता है विच ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर होता है, शैडोड क्लाउड्स एक्सपेंड इन द एवरी स्काई, माने कि प्रत्येक जो सॉरी एवरी नहीं है, इन द इवनिंग स्काई, माने कि शाम के समय जो स्काई होता है, एंड फिल्टर द सनलाइट, क्या करता है, सनलाइट को फिल्टर करता है, फिल्टर मतलब छानना होता है, माने सनलाइट को तिरछा माने होकर के और धरती पर क्या करता है, पड़ता है, सच सनलाइट सच दैट
इट कास्ट पिंक अपॉन, ये क्या छोड़ता है बाबू? कास्टिंग होता है छोड़ना या मतलब कि प्रोवाइड करना है, तो किस तरह क्या छोड़ता है बाबू? आ तो पिंक कलर जो है अपॉन द फील्ड्स, फील्ड्स के ऊपर अपना पिंक कलर, पिंक होता है गुलाबी कलर होता है, तो रोजी हुई का वर्णन किया गया है, जो गुलाबी कलर होता है उसको मतलब कि छोड़ता है। ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, मतलब कि फिर से पढ़ के बता देता हूँ, नहीं दिख रहा होगा आप लोग को, ठीक है? यहाँ समझिएगा बाबू, कह रहा है कि बैकग्राउंड जो बैकग्राउंड फॉर योर म्यूजिक इज अ सीन इन विच ब्यूटीफुल, वो क्या होता है? बहुत ब्यूटीफुल होता है, सुंदर होता है। शेडोड क्लाउड्स एक्सपेंड, जो बादल होते हैं शाम के समय के, वो एक्सपेंड करते हैं इन द इवनिंग, इवनिंग के जो बादल होते हैं आकाश में, और जब उस बादल लगे होते हैं आकाश में तो सनलाइट जो होता है वो तिरछा पड़ता है, उसका शेडो जो है वो धरती पर आता है। तो किस तरह से आता है बाबू? तो एंड फिल्टर्ड द सनलाइट, और वहाँ पर सनलाइट को क्या करता है? फिल्टर करता है, छानने की कोशिश करता है, यानी कहना मतलब जो एक तरह का एक अलग जो प्रकाश, जो सनलाइट के प्रकाश को बादल कवर कर लेता है और वहाँ से उसको तिरछी करके और इस तरह से धरती पर भेजता है जैसे मानो कि एक रंग जो है वो धरती पर बिखेर दिया गया हो। तो ये कहता है कि सनलाइट जो है सच दैट इट कास्ट पिंक, या कैसा छोड़ता है बहुत पिंक कलर का कलर छोड़ता है अपॉन द फील्ड्स, मैंने फील्ड्स पर पिंक ही पिंक भर जाता है, मानो कि धरती जो है और गुलाबी कलर की बन जाती है, ठीक है? विच हैव बीन हार्वेस्टेड, वो धरती जो कि हार्वेस्टेड की होती है, मैंने काटी जो रहती है, जिससे नहीं अनाज, जिस मान कि आपका अनाज लग गया, अनाज लग गया, ठीक है, अनाज लग गया, हम लोग ये अनाज होता है, तो जब हम लोग काटते हैं तो खूटी टाइप के बच जाता है, इतना 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 खूटी टाइप का बच जाता है, ठीक है बाबू? तो इस पर जो सनलाइट होते हैं, सनलाइट हो गया बाबू, सनलाइट देखिए कैसा सीन है, थोड़ा देखिएगा, और यहाँ पर बादल हो गए, आकाश में बादल लगे हुए हैं, तो बादल पर जब सनलाइट पड़ता है शाम के समय में तो तिरछा हो जाता है, ठीक है? और बादल और सनलाइट जब पड़ते हैं तो इसका एक रंग बिखेर जाता है, कहने का मतलब कि बादल से होकर जो प्रकाश नीचे की तरफ आता है इस खुटिहारी पर, इस खूंटी पे, तो एक गुलाबी कलर का रंग जो है वो बिखेर देता है, ठीक है? इस तरह का सेंस यहाँ पर दिया गया है, ठीक है? तो आप लोगों को इसका भी मतलब कि एक्सप्लेनेशन बता दिया गया, आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान से लिखिएगा, यहाँ से है आपका, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और इसको लिखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है बच्चों? यहाँ पर भी ये है, ठीक है? ओड टू ऑटम इज अ लॉन्ग ओड पोएम, या कैसा पोएम बाबू? तो एक ओड पोएम है, एक लंबी गीत है, ठीक है, ओड है, ठीक है, ओड भी एक प्रकार का पोएम ही होता है, इसलिए ओड भी डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, ठीक ना? यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आप पोएम जरूरी नहीं है, आप ओड भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, ओड कंपोज बाई अ रोमेंटिक पोएट जॉन डोन, किसके द्वारा लिखा गया भाई, किसके द्वारा कंपोज किया गया है ये कविता? तो जॉन किट्स के द्वारा किया गया है। ही वॉज नॉट ओनली डीपली इंटरेस्टेड इन बॉक्सिंग एंड क्रिकेट बट ऑल्सो अ वोरेशियस रीडर ऑफ ग्रीक माइथोलॉजी, कह रहा है कि ये सिर्फ क्रिकेट और बॉक्सिंग में ही नहीं मतलब के इंटरेस्टेड थे, बल्कि इनका जो इंटरेस्ट था वो ग्रीक माइथोलॉजी में था, मतलब कि वो ग्रीक की कहानियों को बड़ा ही पढ़ते थे, ठीक है, यानी ग्रीक की कहानियों में बड़ा ही उनका इंटरेस्ट था, ठीक है बाबू? इस तरह से ध्यान में रखेंगे कि ग्रीक की जो कहानी है उसमें ज़्यादा इनको इंटरेस्ट था, ठीक है, ग्रीक कहानी में ज़्यादा इनको इंटरेस्ट था। अब आए कहते हैं कि दिस पोएम डिपिक्ट्स अबाउट द ब्यूटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स स्पिरिट ऑफ ऑटम, यह जो पोएम है बाबू किसको डिस्क्राइब करता है? द ब्यूटी, सुंदरता को, एंड चरित्र को, किसके चरित्र को? स्पिरिट ऑफ ऑटम, ऑटम के चरित्र को, ऑटम के जो व्यवहार है, ऑटम का जो मतलब कि सद्भाव है, ऑटम की जो लक्षण है उसको वर्णन करता है। कैसे? तो इन अ सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर्स, माने कि अनेकों प्रकार के यादगार तस्वीरों के साथ, ठीक है, कह रहा है कि देयर आर थ्री स्टेंजाज इन दिस पोएम, इस पोएम में कितने स्टेंजा है बाबू? तो तीन स्टेंजा है इस पोएम में, एंड ईच स्टेंजाज टॉक्स डिफरेंटली, और प्रत्येक जो स्टेंजा है वो विभिन्न तरह की बात करते हैं, ठीक है। इन द फर्स्ट स्टेंजा, पहले स्टेंजा की जहाँ तक बात करते हैं, द पोएट, कवि जो है, डिस्क्राइब्स, वर्णन करता है, क्या वर्णन करता है बाबू? कि ऑटम एज अ सीजन ऑफ सॉफ्ट एंड स्वीट
बाउंडेंट फ्रूट्स, बाउंडेंट का मतलब होता है वो प्रचुरता या अधिकता, ठीक है, माने प्रचुर फल का ये मौसम होता है, स्वीट फल का जो मौसम होता है, मुलायम फल का मौसम होता है, इसके बारे में वर्णन करता है, एंड फ्लावर्स, और फ्लावर्स का मौसम होता है, ठीक है। आगे बता रहे बाबू कवि कि हियर इन दिस स्टेंजा, इस स्टेंजा में द सन एंड ऑटम आर कंस्पायरिंग टू ब्लेस ट्रीज। इस कविता में क्या करता है, इस स्टेंजा में क्या करता है लोग, कि हियर दिस स्टेंजा, इन दिस स्टेंजा, इस स्टेंजा में द सन, सूरज जो है, और ऑटम जो है, वो दोनों मिलकर के कंस्पायरिंग करते हैं। किस बात की कंस्पायरिंग करते हैं बाबू, टू ब्लेस ट्रीज, पेड़ों को ब्लेस करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, विद फ्रूट्स, फलों का, ठीक है, प्लांट्स को, उसके फ्लावर्स का, ठीक है, एंड टू स्वेल गॉड्स, और गॉड्स को फुलाने का, ठीक है। इस तरह का मतलब कि वो लोग में क्या होता है, कंस्पायरिंग, इस तरह वो लोगों में कंस्पायरिंग होता है, कैसे मतलब कि पेड़ों को फलों से लाद दिया जाए, फूलों को फ्लावर से लाद दिया जाए, और उसके बाद जो गॉड्स है, कोहरा है, उसको एकदम अंतिम तक क्या कर दिया जाए, फुला दिया जाए, ठीक है। यही सब कंस्पायरेसी होता है उसमें, फर्स्ट स्टेंजा में। इन द सेकेंड स्टेंजा की जहाँ तक हम बात करते हैं बच्चों, तो इन द सेकेंड स्टेंजा ऑटम इज व्यूड एज अ वुमन एंड हर प्रेजेंस इज फेल्ट ऑन द ग्रेनरी फ्लोर। कहता है कि सेकेंड स्टेंजा में ऑटम को एक वुमन के रूप में माना गया है, एंड हर प्रेजेंस, और इसकी उपस्थिति जो है, इज फेल्ट, महसूस किया जाता है ऑन द ग्रेनरी फ्लोर। कहाँ पर बाबू, ग्रेनरी फ्लोर के पास, ठीक है। एंड एल्सो सी इज सीन, और ये देखी जाती है, और ये देखी जाती है, क्या देखी जाती है बाबू, सी इज सीन, या देखी जाती है कहाँ पर, इन द फॉर्म ऑफ अ रीपर। रीपर का मतलब होता है काटने वाली, रीप करना, काटना, फसल को काटने वाली के रूप में देखा जाता है, एंड ग्लीनर के रूप में भी देखा जाता है। किस में देखा था बाबू, ग्लीनर, ओसाने, जो धान बीनने वाली थी ना, जो अनाज बीनने वाली होती है, उसको ग्लीनर कहते हैं, तो ग्लीनर के रूप में देखी जाती है, और रीपर के रूप में देखी जाती है, ठीक है। जहाँ तक सवाल है थर्ड स्टेंजा का बच्चों, तो थर्ड स्टेंजा बताया गया कि इन द थर्ड स्टेंजा द म्यूजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑटम इज व्यूड, मतलब कि म्यूजिकल, इसमें गीत की बात होती है, सॉन्ग की बात होती है, ठीक ना, म्यूजिकल एस्पेक्ट्स को रखा गया है, एस्पेक्ट्स को रखा गया है। इट इज हियर्ड, या सुना जाता है, बाय नॉट्स, जो नॉट्स होते हैं, जो मतलब कि पिस्सू होते हैं, छोटे छोटे जो जीव होते हैं, कीट पतंग होते हैं, उनके द्वारा सुना जाता है। दे आर मॉर्निंग, मॉर्निंग का मतलब देखिए, मॉर्निंग होता है, एक मॉर्निंग होता है, तो मॉर्निंग है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसका मतलब होता है विलाप करना, ठीक है। मॉर्निंग ओवर सम ट्रेजेडी, किसके ऊपर रो रहे हैं भाई, किसके ऊपर विलाप कर रहे हो, सम ट्रेजेडी, कुछ दुख को लेकर के, ठीक है, कुछ दर्द को लेकर के, दुख को लेकर के वो लोग क्या हैं, परेशान हैं। इट इज एल्सो, या जो है, में भी व्यक्त किया जाता है, किसमें व्यक्त किया जाता है बाबू, यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा है बस, ज़्यादा नहीं है, अब यहाँ तक है, ठीक है, आइए देख लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। कह रहा है कि इट इज ऑल्सो हियर्ड इन ब्लीटिंग ऑफ फुल ग्रोन लैम्ब्स। इसको कहाँ पर सुना जाता है और बाबू, इसको और भी जगह सुना जाता है, जैसे कि ब्लीटिंग ऑफ फुल ग्रोन लैम्ब्स, जो सयाने लैम्ब्स हैं, उनके ब्लीटिंग का मतलब मिमियाना, मिमियाने के रूप में सुना जा सकता है। सॉन्ग्स ऑफ हेज क्रिकेट्स के रूप में सुना जा सकता है, जो झाड़ी के झिंगूर हैं वो गाते हैं, उसके बारे में सुना जा सकता है, उसके रूप में भी सॉन्ग को सुना जा सकता है। करा कि विस्लिंग रेड ब्रेस्ट, और जो रेड ब्रेस्ट की विस्लिंग होती है, जो रेड ब्रेस्ट के जो चहचहाहट होती है, जो चीख होती है, जो संगीत होते हैं, या कह सकते हैं कि जो सीटी बजाना होता है वो, एंड ट्विटरिंग ऑफ सेलोज, और ट्विटरिंग मतलब होता है चहचहाना, किसका है, सेलोज पंछी का चहचहाना इन द स्काई, आकाश में, उसके रूप में अट्टम के म्यूजिक को सुना जाता है, ठीक है, अट्टम के म्यूजिक को महसूस किया जाता है, ठीक है। और अंतोगत्वा बताता है कवि, एट लास्ट द पोएट वांट्स टू से दैट दिस अट्टम सीजन इज फेवरेबल। क्या होता है कि फेवरेबल फॉर ऑल, सबके लिए फेवरेबल होता है, अच्छा होता है, ऑन दिस अर्थ, इस धरती पर, एंड एवरी वन लव इट, और एवरी वन
लव्स इट, और सब इसे क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। ठीक है, तो आपका इस तरह से समरी भी कंप्लीट हो गया। तो समरी हो गया आपका, क्वेश्चन आंसर आपका हो गया, ठीक है, और मैंने एक्सप्लेनेशन बताने का भी प्रयास किया हूँ। आप लोग थोड़ा अपने से भी मेहनत कीजिए, थोड़ा देखिए उसको और लिखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। देखिए मैं, हम लोग क्या है, गाइड हैं, हम लोग आपको रास्ता दिखा सकते हैं, हम लोग पूरी तरह से नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग को मैं हिंट दे दिया, मैं समझा दिया, इतना गाइड कर दिया कि आप लोग लिख सकते हैं, मैं कुछ लिख करके बता दिया, ठीक है। अब मैं इसको आगे के जो पोएट्री सेक्शंस हैं, जिसकी पोएट्री में आगे के है एन एपिटाफ है, जो अगले में मैं लेकर आऊँगा, ठीक है। मेरा जो ऑनलाइन क्लासेस है वो 1 अगस्त से शुरू हो रहा है, जैसा कि मैं आपको बता भी दिया हूँ पिछले वीडियो में भी, मैं आज भी जिक्र करना चाहता हूँ। तो जो बच्चे ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं, लाइव क्लास में जुड़ना चाहते हैं, वो जुड़ सकते हैं, अपना नंबर सेंड करेंगे व्हाट्सअप पर मेरे, ठीक है, मैं उनको अपने ग्रुप में ऐड कर लूँगा और 1 अगस्त से आपका जो ऑनलाइन क्लास है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसमें आपको 100 मार्क्स इंग्लिश, 100 मार्क्स हिंदी की पूरी तैयारी कराई जाएगी, नो डाउट्स, एकदम बिल्कुल फेस टू फेस सब कुछ होगा, ठीक है। नोट्स वगैरह सब कुछ व्यवस्थित रूप से दिया जाएगा आप लोग को, कोई उसमें दो राय नहीं है, ठीक है बच्चों। दैट्स ऑल आज के इस वीडियो में, बस इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अगले पोम को लेकर आऊँगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।